थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। जैसा मैंने आपको कहा था कि 5K सब्सक्राइबर्स पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर Q&A वीडियो में दूंगा। तो ये है बेन 10 फैंस क्वेश्चंस का एपिसोड 1, जिसमें मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाए। तो बिना और टाइम वेस्ट करे इस Q&A वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सतीश कुमार गुप्ता ने। इन्होंने पूछा है कि क्या एटॉमिक एक्स का यूज करने के लिए सरीना और वेलिकस की ज़रूरत नहीं होती? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में हमने देखा था कि जब बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर गैलेक्टिक ग्लेडिएटर से लड़ रहा था, तब बेन को सरीना और वेलिकस ने एलियन एक्स का हाफ कंट्रोल दे दिया था, जिसकी वजह से बेन को एटॉमिक एक्स की पावर्स का यूज करने के लिए सरीना और वेलिकस की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्यन अली विश्वास ने, क्लॉकवर्क वर्सेस एलियन एक्स। जैसा हम सभी को पता है कि इन दोनों के पास टाइम पावर्स है, बट एलियन एक्स के पास टाइम पावर्स के साथ साथ कई और पावर्स भी हैं। जैसे एलियन एक्स फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है, लेकिन क्लॉकवर्क के पास और कोई पावर नहीं है। इसलिए अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो क्लॉकवर्क एलियन एक्स को अपनी टाइम पावर की हेल्प से काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन जीतेगा तो एलियन एक्स ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रनिक दास ने कि फास्टैग और एक्सलरेट में से ज़्यादा फास्ट कौन है? इसका आंसर है एक्सलरेट। इसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट कि एक्सलरेट के पैरों में टायर होते हैं, जबकि फास्टैग के पास कोई टायर नहीं होते, वो अपने पैरों से ही दौड़ता है, इसलिए एक्सलरेट फास्टैग से ज़्यादा फास्ट है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जब फास्टैग अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जबकि एक्सलरेट कितना भी तेज क्यों ना दौड़े वो बैंक के कंट्रोल में ही रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है डायमेंशन एक्स ने। इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट कि मुझे बेन 10 क्यों पसंद है? मुझे बेन 10 इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसे बचपन से देखता आ रहा हूँ, और मुझे बेन 10 की ऑल सीरीज के एनिमेशन एंड सभी एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन सिक्वेंस की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं। इनका सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या जेनो एलियन एक्स को हरा सकता है? इसका आंसर देने से पहले हम इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जेनो की पावर्स आपको बता देता हूँ कि जेनो को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का किंग कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी पावर से पूरे मल्टीवर्स तक को एक सेकंड में ही इरेज कर सकता है। इसकी पावर्स की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सभी मेंबर्स इससे डरते हैं, बट जेनो के पास यूनिवर्स को इरेज करने के अलावा और कोई पावर नहीं है, एंड ये फिजिकली बहुत वीक होता है। अब हम एलियन एक्स के बारे में जान लेते हैं। एलियन एक्स भी किसी भी यूनिवर्स को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे वापस रिक्रिएट भी कर सकता है। इसी के साथ साथ एलियन एक्स के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ होने की वजह से ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और ये लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। इन सभी पावर्स की वजह से एलियन एक्स जेनो से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए एलियन एक्स जेनो को हरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फोरआर्म्स ह्यूमंगसोर को डिफीट कर सकता है? इसका आंसर है हाँ, फोरआर्म्स ह्यूमंगसोर को डिफीट कर सकता है, क्योंकि बेन 10 क्रिएटर्स ने ये कंफर्म किया है कि फोरआर्म्स ह्यूमंगसोर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड कभी इनके बीच बैटल होती है तो इस बैटल का विनर फोरआर्म्स ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गेमर्स ने। इनका क्वेश्चन है कि कैन एलियन एक्स ट्रांसफॉर्म इंटू अल्टीमेट एलियन एक्स? इसका आंसर होगा हाँ, एलियन एक्स अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स बेन के हर एक एलियन को अल्टीमेट फॉर्म प्रोवाइड कराती है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलियन एक्स को अपनी अल्टीमेट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना अल्टीमेट फॉर्म के ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल प्रजापति ने। इन्होंने पूछा है कि क्या एलियन एक्स अपनी फुल साइज में आ सकता है? हाँ, एलियन एक्स अगर चाहे तो अपनी फुल साइज में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अखिलेश कुमार ने। इनका क्वेश्चन है क्रोमास्टोन वर्सेस डायमंड हेड। तो इसका आंसर है क्रोमास्टोन, क्योंकि क्रोमास्टोन बेन का एक काफ़ी पावरफुल एलियन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एलियन भी है। इसके पास बहुत सारी ऐसी पावर्स भी हैं जो बेन को अब तक नहीं पता। मैं मानता हूँ कि डायमंड हेड भी बहुत पावरफुल है, बट अगर कभी क्रोमास्टोन और डायमंड हेड के बीच बैटल होगी तो इस बैटल का विनर क्रोमास्टोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अल्टीमेट एलियंस ने। इनका क्वेश्चन है कि कैन केविन एब्जॉर्ब इन्फिनिटी स्टोन्स? तो इसका आंसर है हाँ, केविन इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, बट इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से जब केविन इन्फिनिटी स्टोन्स
स्टोन्स को एब्जॉर्ब करेगा तो केविन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से केविन मर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने आशीष ने, इनका क्वेश्चन है ह्यूमंगसोर वर्सेस रैथ हु इज विनर। होने को तो ये दोनों एलियन ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो इस बैटल का विनर रैथ होगा, क्योंकि रैथ बैंक का सबसे ज़्यादा अग्रेसिव एलियन है और इसके रिफ्लेक्सेस ह्यूमंगसोर से बहुत ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंदन ने, इन्होंने पूछा है कि थैनोस वर्सेस बैन हु विल विन। तो इसका आंसर है बैन, क्योंकि बैन के पास कई ऐसे एलियन हैं जो थैनोस को डिफीट कर सकते हैं, जैसे एलियन एक्स, सोएपिक, पिस्की डस्ट एंड और भी कई एलियंस। एंड एलियन एक्स तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रिक्रिएट भी कर सकता है, तो बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर थैनोस को इजिली डिफीट कर देगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गुरिंदर ने, इनका क्वेश्चन है अल्टीमेट ह्यूमंगसोर वर्सेस अल्टीमेट एको एको। इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है अल्टीमेट एको एको, क्योंकि अल्टीमेट एको एको ने अपने सुपरसोनिक साउंड से अल्टीमेट केविन तक को डिफीट कर दिया था, इसलिए अल्टीमेट एको एको अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को डिफीट कर सकता है। तो ये था आज का Q&A वीडियो। मैंने आज के इस Q&A वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तो आज के वीडियो का लाइक एम है 40 लाइक्स। आई होप आप इसे जल्दी कम्प्लीट करा दोगे। एंड आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।